लेकिन सवारी के दौरान पुलिसकर्मियों ने महिलाओं और आम जनता से बस सलूक की ओर धक्के देकर आगे बढ़ाया, जिससे जनता में काफी आक्रोश है। सावन माह के प्रथम सोमवार में बाबा महाकालेश्वर की सवारी उज्जैन में निकली। सवारी महाकाल मंदिर से रामघाट पहुंची, वहां पूजा अर्चना के बाद गोपाल मंदिर होते हुए महाकाल मंदिर पहुंची। सवारी मार्ग पर कलेक्टर शशांक मिश्र और पुलिस कप्तान सचिन अतुलकर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए थे और मौके पर ही अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहे। फिर भी महिलाओं और पुरुषों को पुलिस जवानों द्वारा धक्का मार मार कर आगे बढ़ा रही थी। इस पुलिस व्यवस्था से श्रद्धालु काफी नाराज नजर आए। वहीं जिले के कलेक्टर शशांक मिश्र ने मीडिया कर्मियों की सुविधा के लिए मीडिया पास बनाने के निर्देश दिए थे। मीडिया पास होने के बावजूद पुलिस जवानों द्वारा रामघाट पर मीडिया कर्मियों को जाने से रोका गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि कलेक्टर महोदय के निर्देशों की खुलेआम अवहेलना पुलिस कर्मियों द्वारा की जा रही है। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। ये जो पुलिस का जो रवैया था सवारी के दौरान, उससे आप कहाँ तक संतुष्ट थे, किस प्रकार का रहा? बेकार था बिल्कुल। लेडीज लोगों को हाथ लगा लगा के धक्के मार मार के आगे कर रही है, कोई तरीका थोड़ी है। लेडीज लोगों से व्यवहार अच्छा रखना चाहिए ना उनको। आगे से ये ऐसा करेंगे तो कोई आएगा क्या सवारी में, बताइए आप? अच्छी तरह से पेश आएंगे या व्यवस्था अच्छी रहेगी तो ही आगे से कोई आएगा। इतनी दूर से आते हैं, नहीं दर्शन करने आते हैं, और ये व्यवस्था ऐसे थोड़ी रहना चाहिए। बदतमीजी करें, हाथ लगा रहे, टच करके बात कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। कहाँ से आया? इंदौर से। क्या नाम है? गीता अरोरा। तो अगली बार आप एसपी जी से, अगर व्यवस्था सही हुई तभी आएंगे ना, ऐसे कैसे आएंगे बताओ? अपने उस पर कैसे चलेंगे बताओ? तो प्रशासन को क्या संदेश देना चाहिए? यही चाहेंगे कि अच्छे से व्यवस्थित रखे, अपनी बहनों जैसा, माँ बहनों जैसा समझे लेडीज को भी, बदतमीजी ना वापरे तो अच्छा है। कहाँ से आया? इंदौर से। तो यहाँ दर्शन करने पर आपको कैसा क्या लगा, जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है उसका? दर्शन करने आए थे, दर्शन तो मिले ही नहीं, ऐसे ही भगाते गए बस भीड़ में, भागो भागो भागो। लेडीज के लिए तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। अच्छा, सवारी में जो पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था थी उससे आप कहाँ तक संतुष्ट है? नहीं, कोई संतुष्ट हुए ही नहीं ना, दर्शन ही नहीं हुए, पुलिस की कोई व्यवस्था ही नहीं थी बिल्कुल भी। और धक्का मुक्की वगैरह? धक्का मुक्की तो बहुत, लेडीज के लिए तो कोई भी व्यवस्था नहीं है। लड़के लोग तो फिर भी चलो भाग भाग के दर्शन कर लेंगे, लेडीज तो बिल्कुल भाग भी नहीं सकती ना। तो अगली बार क्या आपका जो नजरिया है कि अगली बार किस चीज का सुधार होना चाहिए? ये बस लेडीज के लिए थोड़ी व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए, बच्चे जिनके साथ छोटे छोटे, उनको कितनी मुश्किल हुई। क्या नाम है आपका? मेरा रोमा धीर। कहाँ से? इंदौर से। उज्जैन जिले के नागदा के समीप ग्राम पालकी में